नीलम, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी सेंसिटिव है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें आपको खानी है और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है, तो ये सारी डिटेल मैं आज के टॉपिक में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर आखिर है क्या। देखिए, हमारी पूरी प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ की होती है, तो ये जो 9 मंथ है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं वो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, बीच के जो 3 मंथ होते हैं वो सेकंड ट्रिमेस्टर होता है, और लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं वो थर्ड ट्रिमेस्टर होता है। स्टार्टिंग का और लास्ट का जो ट्रिमेस्टर होता है ना, वो थोड़ा सा क्रूशियल होता है एज कम्पेयर टू बीच वाला जो ट्रिमेस्टर होता है। फर्स्ट वाला ट्रिमेस्टर इसलिए थोड़ा सा क्रूशियल होता है बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होने के कारण काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है एक मदर को, और इस वजह से ये थोड़ा सा ना टफ हो जाता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर। एंड लास्ट ट्रिमेस्टर इसलिए थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज उस टाइम तक जो है बेबी पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, एंड डिलीवरी का भी जो टाइम होता है वो भी पास में ही होता है, तो उस वजह से भी ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो फेस करनी पड़ती है। मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ मॉम टू बी को, और मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि आप खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए, बस यही पूरी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर की। तो जैसे कि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, उस तरह से हर किसी की जो प्रेगनेंसी होती है वो भी अलग अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। हम किसी की प्रेगनेंसी को देख के ये नहीं कह सकते कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी को नोजिया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग फीलिंग होती है, वीकनेस होती है, किसी को नहीं होती है ये सारी चीज़ें, या किसी को नोजिया फीलिंग होती है ओनली। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे फर्स्ट ट्रिमेस्टर के 1.5 महीने के बाद थोड़ी सी नोजिया फीलिंग स्टार्ट हो गई थी। मुझे वॉमिटिंग कभी नहीं हुई, बट ओनली नोजिया फीलिंग रहती थी, और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इवन मैं अगर पानी भी पीती थी तो मुझे वॉमिट करने का मन करता था, बट वॉमिटिंग होती ही नहीं थी मुझे। तो इस तरह से जो है हर किसी के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। अगर बात करें डाइट प्लान की, तो मैं मेरी प्रेगनेंसी में वैसा ही खाना खाती आ रही थी जैसा कि मैं प्रेगनेंसी से पहले खाती थी। हाँ, कुछ चीज़ों को ऐड किया मैंने अपनी जो डाइट प्लान में, और कुछ चीज़ों को अवॉइड किया। तो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और प्रेगनेंसी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी डाइट में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, पानी जितना हो सके आपको उतना पीना है, एंड आपको सॉल्टी चीज़ें, शुगरी चीज़ें वो थोड़ी सी अवॉइड करनी है। मीन्स आप खा सकते हो बट आपको लिमिट में खाना है, एंड अपनी जो डाइट चार्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ऐड करने हैं, वेजिटेबल ऐड करनी है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। जैसे कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर थोड़ा सा क्रूशियल होता है, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी ही क्रूशियल होती है, बट फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमको अवॉइड करना होता है। वैसे तो कई सारे मिथ हैं खाने को लेके कि ये नहीं खाना होता, वो नहीं खाना होता है, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि आपको पपीता नहीं खाना है, और आपको अनानास नहीं खाना है, पाइनएप्पल जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं खाना है। मतलब जिनकी जो नेचर होता है ना जिन फ्रूट का, वो आपको चीज़ें नहीं खानी है, एंड ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है तो आप बादाम खा सकते हो, लेकिन बादाम को आपको जो है भिगोना है रात भर, और उसको नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको 3-4 बादाम जो है मॉर्निंग में खा सकते हो। तो जिन फ्रूट या फूड का जो तासीर होती है, नेचर होता है, वो गर्म होता है, वो आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अवॉइड करना है। तो मॉर्निंग में आप उठने के बाद आपको पीना है पानी। पानी अगर ल्यूक वाटर है तो बहुत अच्छा है, आपको गुनगुना पानी पीना है। उसके थोड़ी देर के बाद आपको पीनी है चाय, अगर आप चाय लवर हो तो। जैसे कि मैं चाय लवर हूँ, तो मैं एक मॉर्निंग में चाय पीती थी और एक मैं इवनिंग में चाय पीती थी। तो चाय आपको 2 ही बार पीनी है, 2 से ज़्यादा बार नहीं पीनी है आपको, क्योंकि चाय में होता है कैफीन, और वो थोड़ा सा जो है डेंजरस होता है बेबी के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो आपको सिर्फ 2 बार चाय पीनी है, और चाय के साथ आप बिस्किट ले सकते हो, आप रस ले सकते हो। जैसे कि मैं बिस्किट लेती थी, तो मैं चाय के साथ में 2 या 3 बिस्किट ले लेती थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी सफिशियंट होता था। उसके थोड़ी देर के बाद, करीब 1-1.5 घंटे के बाद, आप जो है आपको ब्रेकफास्ट करना है, एंड ब्रेकफास्ट में आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जो है दलिया ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो,
एंड अगर आप दूध आपको पसंद है तो आपको दूध पीना है, दूध तो खैर आपको पीना ही पीना है, तो अगर आप मॉर्निंग में दूध नहीं पीना चाहते हो तो आप इवनिंग में दूध पी लीजिए, बट आपको दूध जरूर पीना है क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जो है थोड़ी देर के बाद अगर आपको थोड़ी सी भूख लग रही है तो आप हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हो, स्नैक्स में आप फ्रूट्स ले सकते हो या आप सैंडविच ले सकते हो। तो आपको जो है एक साथ नहीं खाना है खूब हैवी, आपको एक बार में फुल नहीं करना है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में आप थोड़ा थोड़ा जो है खाते रहिए, और आपको खाना ऐसा है जो हेल्दी हो और जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, जैसे प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन हो, न्यूट्रिशंस हो, तो ऐसा फूड आपको खाना है। तो स्ट्रीट फूड थोड़ा सा अवॉइड करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का तो कभी कभार खा सकते हो लेकिन लिमिट में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक आपको अवॉइड करनी है, जो भी आप खा रहे हो ना आप लिमिट में खा सकते हो लेकिन आपको लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना है। एंड आपको लॉन्ग ट्रेवल नहीं करना है, आपको जो है डेली जो है थोड़ा सा आप वर्कआउट कर सकते हो, वर्कआउट में आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हो, बट आपको आधे घंटे से ज़्यादा वॉक मत करिए। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में थोड़ा सा जो है रेस्ट भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी आप जो भी खा रहे हो खाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, बट हाँ थोड़ी सी उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है जिनका नेचर थोड़ा सा गर्म होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यही कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, एंड आपको हाँ प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराते रहना है, एंड डॉक्टर जो भी टेस्ट रिकमेंड कर रही है वो आपको टेस्ट वगैरह कराने हैं, और जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो मेडिसिन आपको जो है कैल्शियम विटामिन आयरन की जो भी मेडिसिन आपको दी प्रिस्क्राइब किए तो वो टाइम टू टाइम आपको लेना है। जूस पीना है ज़्यादा से ज़्यादा जो है, एंड बेटर रहेगा कि आप घर में ही जूस निकाल के फ्रूट का वो पिए, ना कि आप जो टेट्रा पैक वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करके घर में ही जूस निकाल के पीजिए। एंड अगर वो नहीं होता तो आप फ्रूट खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्रूट में जो होता है ना काफ़ी मात्रा में मिनरल कैल्शियम आयरन एंड होते हैं, तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं और ये हमको हाइड्रेट भी रखते हैं, तो आप फ्रूट खाइए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है, माइंड को फ्री रखना है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम चल रहा था फर्स्ट लॉकडाउन, एंड उस टाइम पे सब कुछ बंद था, डॉक्टर को दिखाने नहीं जा सकते थे, एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने तो 2.5 महीने में जाके जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर से मैंने जो है फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तब जाके फिर मैंने जो भी टेस्ट वगैरह थे अल्ट्रासाउंड जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था मैंने तब करवाया, 2.5 या 3 महीने के बाद मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपको खुश रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, अपने बॉडी को रेस्ट देना है और अपना माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है। तो यही थे मेरे कुछ टिप्स और मेरी कुछ एडवाइस और मेरा एक्सपीरियंस। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक और नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching.